हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे मसाला पाव भाजी। के लिए मैंने एक कद्दू लिया है। कद्दू के मैंने छील के नहीं उतारा है, इसको ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने आलू लिया है, शिमला मिर्च, गाजर और मटर। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इन सब्जी को बॉईल करेंगे भाजी बनाने के लिए। सब्जी उबालने के लिए मैंने पानी रख दिया गैस पर। इसके अंदर पहले हम सीताफल डाल देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था इसको कि जल्दी से बॉईल हो जाए। सबसे आसान तरीका बता रही हूँ पाव भाजी बनाने का। बाकी सब्जियां भी इसमें डाल देंगे। जब तक पकाएंगे इसको, एक बार हम तोड़ के देख लेंगे सब्जी कि सब्जी हमारी गल गई है, तब इसको उतारेंगे। जब तक इसको ढक्कन लगा के धीरे गैस पर पकने देते हैं। सब्जी को चेक कर लेते हैं जो हमने उबलने के लिए रखी थी। एक आलू लेकर देख लेते हैं कि आलू से पता चल जाएगा कि सब्जी पकी है नहीं पकी है। आलू या कोई भी एक सब्जी हो, ऐसे करके कट करके देख लेते हैं। ये आराम से कट रहा है, इसका मतलब सब्जी हमारी हो गई है। गैस कर देते बंद और इस सब्जी को अब निकाल लेंगे प्लेट के अंदर इस तरीके से। सारी सब्जी इसमें निकाल लेते हैं पानी में से। अच्छे से बॉईल हो गई है। भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। पहले ऑयल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल देंगे। बिल्कुल आसान तरीके में पाव भाजी बना रही हूँ आपको, तो फटाफट घर बन जाती है। प्याज को भून लेंगे अच्छे से। प्याज हो गई, इसमें डाल देंगे टमाटर। हमारे डालने में अच्छे से करा लेंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नीम डालेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी डालेंगे चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, और लाल मिर्च है हम थोड़ी डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हम ज़्यादा डाल लेते हैं सिर्फ कलर के लिए। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये मसाला पाव भाजी है तो मसाला ज़्यादा पड़ेगा, आज के लिए बहुत चल रही है मसाला पाव भाजी। और इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला 2 चम्मच के करीब। थोड़ी भून लेंगे। सिर्फ मसाले यूज़ करने चाहिए पाव भाजी के भाजी के अंदर, मिर्ची कम यूज़ करनी चाहिए क्योंकि मिर्ची कम होती है इसके अंदर। अभी हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे, ये मसाला पक जाए अच्छे से। तो जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे से पक ना जाए। अब मसाला अच्छे से पक गया, देखो तेल भी सेपरेट हो गया। चला के इसमें सब्जी डाल देंगे जब हम बॉईल करी थी। भाजी क्या होती है, भाजी अच्छी से घुटी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह मैच हो जाए। इसमें हमने सब्जी उबाल ली थी और इससे जल्दी भी बनती है। अगर आप डायरेक्ट काट के बनाएंगे कच्ची सब्जी तो उसमें टाइम लग जाता है,
बॉईल करने से क्या होता है, टाइम नहीं लगता भाजी बनने में। ये देखो इस तरीके से भी खूब अच्छे से घुट जाएगी आसान तरीके से। तो 5-10 मिनट के लिए पहले पकाएंगे जिसमें मसाला अच्छे से हो जाए। पहले इसको चला लेते हैं। इसको अब धीरे धीरे हम घोटते भी रहेंगे इस तरीके से। अगर सब्जी तो हमारी पकी हुई है उसको इस तरीके से घोटते रहेंगे और सब्जी पकाते भी रहेंगे। बिल्कुल मैश कर देंगे अच्छे से। भाजी हमारी तैयार हो गई है, अच्छे से घोट दी हमने। थोड़ा सा सूखा धनिया डाल देते हैं। अभी सब्जी को मिला के अच्छे से हम निकाल लेंगे डोए के अंदर। फिर इसी में इस मसाले में हम पाव सेकेंगे। अब इसी के अंदर हमने थोड़ा बटर डाल लिया साइड में और मसाला साइड में कर लिया। इस साइड हल्का सा हमने बटर डाल लिया तो थोड़ा गर्म कर लेते हैं। इसमें पाव सेकेंगे इस तरीके से। पाव ले लेते हैं, उनको सेक लेते हैं। आप चाहो तो कोई पैन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मैं इसी को यूज़ करूँगी पाव के लिए भी। तो सेक लेते हैं। अब इसको पलट के फिर सेक लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर ये जो मसाला रखा है ये लगाएंगे अच्छे से तरीके से। अब इसको फिर पलट देंगे खा के इस तरीके से। दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। अब इस तरफ भी हल्का सा मसाला लगा देते हैं। आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं मसाला पाव, बिल्कुल मसाले के अंदर करके देते हैं पाव इस तरीके से। अब ये पाव हमारे तैयार हो गए हैं। ये पाव भाजी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों का शेयर भी करें। आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।